दिल्ली में चार दिन तक चलने वाली सूफी संतों की सभा में पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। अपने सूफियाना अंदाज से मोदी ने यहाँ लोगों का दिल जीत लिया। मोदी ने यहाँ सूफिज्म, नेशनलिज्म और टेररिज्म हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे। मोदी ने यहाँ क्या कुछ कहा उसे बताने से पहले आपको दिखाते हैं मोदी के मंच पर आते ही कैसे यहाँ भारत माता की जय का जय जयकार होने लगा। वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया वहां मौजूद दुनिया भर के सूफी स्कॉलर्स ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ा हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट उतनी तेज होती गई। जो मकरूह कोशिश की गई है उसका बुनियादी तसव्वुर हम समझते हैं कि ये खुद इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। दरअसल सूफी विद्वानों का मानना है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने का दम भरने वालों को इस्लाम की जरा भी समझ नहीं है। भारत माता की जय ना बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी को भी इन विद्वानों ने नसीहत दी और कहा है कि इस्लाम अपने मुल्क से प्यार करने की सीख देता है। ऐसे में भारत के मुसलमान अगर देश की जयकार करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश के मामले में, धर्म के मामले में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस इस्लाम से वो बिलोंग करते हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद कहा कि अपने देश से मोहब्बत करो, देश की मोहब्बत ये आधा ईमान है। तो हमें देश प्रेम में, ये हमारा मादरे वतनी है, तो मादरे वतनी के बारे में अगर हम जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा तो कौन लगाएंगे। कुल मिलाकर भटकों को रास्ते पर लाना और अमन चैन कायम करना दिल्ली में चल रहे सूफी कॉन्फ्रेंस का